ये तीनों तस्वीरें बीजेपी के खिलाफ हैं। वो बीजेपी जो असम में जीत का परचम लहराने के बाद यूपी के तख्त पर कब्जा करने की ख्वाहिश रखती है। मायावती पर बीजेपी के भूतपूर्व उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह के अपमानजनक कमेंट ने बीजेपी को संसद में माफी के लिए मजबूर कर दिया। महिला और एक प्रमुख महिला नेत्री के संबंध में इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करें, इस बात का मुझे निजी तौर पे भी खेद है। तो गुजरात के ऊना दलित पिटाई कांड ने राजनाथ सिंह को संसद में सफाई देने के लिए मजबूर किया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए पूरी जांच सीआईडी क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। उत्तर प्रदेश, गुजरात ही नहीं, बीजेपी को पंजाब में भी नवजोत सिंह सिद्धू के आउट होने से झटका झेलना पड़ा है। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह एक तरफ तो यूपी में दलित कार्ड कैश करने के लिए रणनीति अपनाते हैं और दूसरी ओर उनकी ही पार्टी के नेता उनके मंसूबों पर पानी फेर देते हैं। तो गुजरात में आनंदीबेन पटेल सरकार जहां हार्दिक पटेल के हाहाकार पर घिरी नजर आती है, तो दलितों की पिटाई का मामला उन्हें बैकफुट पर पहुंचा देता है। बीजेपी सिर्फ उत्तर प्रदेश और गुजरात में ही घिरी नहीं दिख रही है, बल्कि अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड की ये दो तस्वीरें भी उसकी सियासी भूल का ही पैमाना तय करती हैं। अरुणाचल में सत्ता पाने की चाहत में उसे मुंह की खानी पड़ी और उत्तराखंड में भी आलम ऐसा ही रहा। यानी बीजेपी घिरती दिख रही है। सवाल है कि आखिर बीजेपी के सुलझे नेता विवादों के चक्रव्यूह को क्यों नहीं तोड़ पा रहे हैं? क्यों बयानों के बवंडर में पार्टी फंस जाती है? पार्टी क्यों ऐसे फैसले करती है जिनका खामियाजा उन्हें अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है? इन्हीं सवालों पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। असम में जीत के बाद बीजेपी जिस नई ऊर्जा के साथ यूपी चुनावों में उतरी थी, अब लग रहा है कि उसमें कुछ बीजेपी नेताओं और कुछ दूसरे हालात के चलते पलीता सा लग गया है। यूपी फतेह का सपना देख रही बीजेपी अब बैकफुट पर है और उसके सिपह सलार को संसद में खड़े होकर माफी तक मांगनी पड़ रही है। बीते कुछ दिन से गुजरात में दलितों के साथ मारपीट का मामला भी गर्म है। अरुणाचल और उत्तराखंड में बीजेपी पहले से ही बैकफुट पर है और चुनावी शतरंज में बीजेपी की ये गलती उससे कितना नुकसान पहुंचाएगी? क्या वाकई बीजेपी ने खुद ही अपनी हार की स्क्रिप्ट लिख डाली है? आज यही है बिग स्टोरी, बिग डिबेट, पॉलिटिकल ब्लंडर विद अ क्वेश्चन मार्क। और मेरे साथ इस पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान होंगे, लेकिन उससे पहले जाइए, जरा आइए, हम आपको कुछ दिखाते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों के पास चलते हैं। बीजेपी की कुछ ब्लंडर्स क्या है, हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, बीजेपी की पहली ब्लंडर उत्तर प्रदेश में, जहां मायावती पर आपत्तिजनक कमेंट किया इनके वाइस प्रेसिडेंट ने, हालांकि बात हटा दिया गया और उसके बाद एक सेंटिमेंट गया कि बीजेपी दलित विरोधी है और मायावती ने अपने आप को देवी तक बता डाला। गुजरात में दलितों की पिटाई का मामला, यहां भी एक गया कि बीजेपी की सेंटिमेंट, एक मैसेज गया कि बीजेपी की सरकार में दलितों का क्या हाल है, और इसको भी विपक्षी पार्टियों ने खूब जोर शोर से उठाया। आपने सुना होगा राजनाथ सिंह संसद में कह रहे थे कि वो इस पूरे मामले की जांच करवा रहे हैं। आगे देखिए, पंजाब, जिस तरह से सिद्धू ने पार्टी छोड़ी वो भी एक सेटबैक रहा बीजेपी के लिए। और नवजोत सिंह सिद्धू, आप आम आदमी पार्टी के साथ अगर चले जाते हैं, जो लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, तो ये पंजाब चुनावों का एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है और बीजेपी और अकाली दल की जो सरकार है उसके लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। अगला अब आप यहां पर ब्लंडर देख कह सकते हैं उत्तराखंड, हरीश रावत सरकार की जिस तरह से वापसी हुई और जिस तरह से कोर्ट ने बीजेपी के ऊपर या केंद्र सरकार के ऊपर सख्त टिप्पणियां की, यह भी एक मैसेज जरूर गया कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर बैकफुट पर आई। और अरुणाचल प्रदेश, अगला जो ब्लंडर जिसको कहा जा सकता है अरुणाचल प्रदेश, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर केंद्र की बीजेपी की केंद्र सरकार को झटका दिया और ये कहीं ना कहीं एक और सेटबैक रहा। तो ये जो ब्लंडर्स हुए हैं हाल के दिनों में, अरुणाचल से लेकर उत्तराखंड तक और गुजरात से लेकर यूपी तक और पंजाब तक, ये क्या बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में बड़ी मुश्किलें खड़ी करेंगे? सवाल यही है, क्योंकि 5 राज्यों का चुनाव बिल्कुल सामने है और इनके लिए हर पार्टियां जोर शोर से तैयारी कर रही है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए सुदेश वर्मा है, स्पोक्स पर्सन बीजेपी। मेरे साथ प्रियंका चतुर्वेदी है, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस। मेरे साथ अतुल अंजान साहब हैं, सीनियर लीडर हैं सीपीआई से। और संगीत कुमार रागे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आरएसएस थिंकर, और थोड़ी देर में एसपी की स्पोक्स पर्सन भी मेरे साथ जुड़ेंगी। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। लेकिन सुदेश वर्मा, पहला सवाल आप ही से सर, क्योंकि आप ही की तो हम बात कर रहे हैं आज। बहुत जोर शोर से आप चुनावी तैयारी में लगे हैं, लेकिन लगता है कि हाल के दिनों में जो कुछ आपके नेताओं ने या पार्टी की तरफ से या जो कुछ सर्कमस्टांसेस बने, आपको आपके लिए सेटबैक रहा है ये, और कहीं ना कहीं ये नुकसान करेगा आने वाले दिनों में।
देखिए, इसको सेटबैक की तरह नहीं देखें, अभी 9 महीना चुनाव में है, लेकिन इतना जरूर है कि देखिए हमें लगा कि अपशब्द का इस्तेमाल हुआ जो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल था, और हमने अपने आप, आपने देखा हमारे नेता ने बहुत संवेदनशीलता के साथ माफ़ी मांगी और बोला नहीं होना चाहिए, हमने त्वरित कार्रवाई की उस शख्स के खिलाफ और हमने उसे एक्सपेल कर दिया 6 साल के लिए, जो पार्टी में प्रावधान है। दूसरा क्या हो सकता था, एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन लेगा, वहाँ की उत्तर प्रदेश सरकार को लेना है अगर FIR करना है कुछ, उसमें हमारा कोई रोल नहीं बनता है। आप ये बताइए कि हमने इतने फास्ट एक्शन लिए, लेकिन क्या आज जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में, नहीं कहा फास्ट एक्शन लिया, अरे फास्ट एक्शन नहीं लिया, हमने उसको गुजरात में सारे के सारे अरेस्टेड हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया गया, उनको कंपेंसेशन दे दिया गया और इंक्वायरी हो रही है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन में यही होता है ना, हमने कहीं एक्शन न लिया तो आप बोल सकते हैं, और आते हैं उत्तर प्रदेश में, आप पत्रकार हैं, आपको ये भी बताना होगा कि जो मायावती जी आज कर रही हैं उत्तर प्रदेश में, कल जो दिल दहलाने वाला जो वहां पर हुआ जिसके कारण बहुत अराजकता फैली, आप बताइए जिस तरह से उसके परिवार को गाली दिया गया, उस इंडिविजुअल के परिवार को गाली दी, इस तरह से उनकी पत्नी आज उमड़ कर आई, एक बेटी के बारे में बोला गया कि अपनी बेटी को भेज दो, ऐसे नेता के खिलाफ क्या मायावती को एक्ट नहीं करना चाहिए? हमने माफी मांगी, हमने एक्शन लिया, हमें लगा कि बुरा है, लेकिन बुराई का इंजाम बुराई से नहीं आप जीत सकते, गाली का जवाब गाली से नहीं दे सकते, उत्तर प्रदेश को यह फैसला करना पड़ेगा, हमारा एजेंडा वही है, ये चुनावी रणनीति नहीं है, ये न चुनावी राजनीति हो रही है दलित पर, हम उत्तर प्रदेश में विकास पर ही चुनाव लड़ेंगे, अभी 9 महीने हैं और विकास पर ही लोग वोट भी देंगे, लेकिन जो लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें समझना, मेरे पास एक क्रोनोलॉजी है, आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में विकास पर चुनाव लड़ेंगे, बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी कोई बात नहीं है, लेकिन सर एक लंबी लिस्ट है, दयाशंकर सिंह तो अभी मामला आया, इससे पहले आपकी भाजपा महिला मोर्चा की राज्य प्रभारी थी, उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया था कि जो लोग राज कर रहे हैं याद करो कभी तुम्हारे जूते साफ किया करते थे, मधु मिश्रा। इसके बाद महाराष्ट्र के डोंबिवली से आपके विधायक रविंद्र चौहान ने, उन्होंने ठाणे में स्मार्ट सिटी के कार्यक्रम में कुछ ऐसा कहा कि दलितों के उत्थान के लिए तो फडणवीस सरकार ऐसा काम कर रही है जैसा उन्होंने अब्राहम लिंकन का एक एग्जाम्पल दिया था, मैं नहीं कोट करना चाहता उस एग्जाम्पल को। आपके वीके सिंह जिन्होंने फरीदाबाद में जो कुछ हुआ था दलित बच्चों की हत्या के बाद, उसके बाद उन्होंने क्या कहा था, स्मृति ईरानी ने क्या था, साक्षी महाराज ने क्या कहा था, और तमाम लोगों ने क्या कहा था, सर ये सब विकास की राजनीति है सर? बिल्कुल नहीं, जिसने भी कहा था, जब भी हमें गलती लगा उन लोगों ने माफी मांगी, बयान को विड्रॉ किया, अगर किसी का टंग स्लिप हुआ उन्होंने बोला टंग स्लिप, माफी मांगा, कितनी बार टंग स्लिप होगा, आपकी बात बताइए कितनी बार टंग स्लिप होगा, एक इंडिविजुअल के कहने से पार्टी की आइडियोलॉजी तय होती है कि पार्टी की आइडियोलॉजी लीडरशिप से तय होती है, उसके एक्शन तेज तय होती है। आज कोई भी पार्टी हमारे खिलाफ अगर कोई एजेंडा रहा तो उसके पहले उसको यह समझना चाहिए कि अगर दलितों का सबसे ज्यादा हिमायती वाली कोई पार्टी आज अगर है भारतवर्ष में तो वो बीजेपी है, सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, और हम आगे आपको और भी बताएंगे कि हम क्या क्या किए हैं। ठीक है, आपसे मैं पूछूंगा आपने क्या क्या किया है, लेकिन कांग्रेस से मेरे साथ प्रियंका चतुर्वेदी हैं। प्रियंका, आप सुदेश वर्मा जी की इन बातों से सहमत हैं कि ठीक है गलती हुई लेकिन एक्शन भी हमने तुरंत लिया? दो चीजें कहूंगी, और इन्होंने पार्टी लीडरशिप की बात कही, पार्टी लीडरशिप की दो बातें याद दिलाऊंगी। जो पार्टी के लीडर हैं उन्होंने 50 लाख करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात की थी, वही लीडर हैं जिन्होंने कहा था इटालियन जर्सी काओ अपनी पॉलिटिकल राइवल के लिए। तो ये इतनी अभद्र भाषा कर, अरे आपके लिए तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं प्रियंका जी, मौत का सौदागर आप ही ने बोला था, भूल गए चुनाव हारे थे इस स्टेटमेंट पर। देखिए आप कुछ शर्म करिए, क्यों शर्म करें, गलती आप करिए, शर्म हम करें। अब आप देखिए, या तो आप डिबेट कर लीजिए, अरे हमने कांग्रेस पर नहीं बोला, आप अगर बीजेपी पे बोलेंगी तो आपको सुनना होगा, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, ना हो डिबेट सुनने की क्षमता ना हो तो आप डिबेट में ना आया करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए, ठीक है, डोंट बी पर्सनल, डोंट बी पर्सनल प्रियंका, डोंट बी पर्सनल, शांति से सुन रही थी, डोंट बी पर्सनल, नहीं नहीं कोई पर्सनल नहीं, व्हाट इज बीइंग पर्सनल, पार्टी लाइन पर प्रियंका, पार्टी लाइन पर, व्हेन आई एम टॉकिंग, मैं पार्टी लाइन की बात कर रही हूँ। लीडरशिप की अगर बात करें तो लीडरशिप, जब लीडरशिप 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात करते हैं, लीडरशिप इटालियन जर्सी काओ के पे आरोप लगाते हैं तो लीडरशिप पे सवाल उठ खड़ा होता है। दूसरी रही बात दलितों की, बात करते हैं, ये वही प्रधानमंत्री हैं जब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी एक कविता लिखी थी, एक किताब लिखी थी, जहां पे उन्होंने जो अभी ये जो लोएस्ट ऑफ लो कास्ट के लिए उन्होंने कहा था ये उनके कर्म है, वो उनको भुगतने हैं। तो इस तरीके की उनकी टिप्पणियां रही हैं। आप लीडरशिप की बात करते हैं, अगर आपको अगर सच में एक्शन लेना होता तो सुओ मोटो FIR करते, FIR करने के बाद आप उनसे कहते कि अपने आप को पुलिस के सामने पेश करें। ये दयाशंकर जी थोड़े मुझे आंकड़े गिनाने पड़ेंगे, मैं आऊंगा दयाशंकर की
दया शंकर जी की वाइफ हैं स्वाति सिन्हा, स्वाति सिंह। उन्होंने कहा कि ना ही भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, ना ही किसी ने उनसे फोन करके कहा है जो आपत्तिजनक बयानबाजी हुई है उनके परिवार को लेकर। आप वो कर रहे हैं, बेटी सम्मान रैली पर प्लान कर रहे हैं बगैर उस परिवार से पूछताछ किए कि उनपे क्या बीती है और क्या वो लोग कर सकते हैं, कि बसपा से किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी सीख कर सकते हैं। तो जो राजनीतिकरण करने का काम है गौरव जी, तो आपको नहीं, मैं आ रहा हूं सुदेश वर्मा, प्रियंका 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 आपको क्या लगता है, प्रियंका आपको लगता है कि ये ब्लंडर्स हो गए बीजेपी से, ये लोग फेलियर रहे हैं, आपको लगता है ब्लंडर्स हो गए बीजेपी से? मैं आ रहा हूं सुदेश वर्मा, नहीं है, ये सोची समझी राजनीति है 40% से, ठीक है, सोची समझी राजनीति है, ये बड़ा आरोप है कांग्रेस का। महाराष्ट्र ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, मैं आप ही के पास आऊंगा, ले लीजिए जिस तरीके से एक स्ट्रेटेजी है वो सामने, जवाब दीजिए सुदेश वर्मा, बड़ा आरोप है, सोची समझी साजिश है। प्रियंका जवाब दे लेते हैं, मुझे अब कांग्रेस को थोड़ा आईना दिखाना पड़ेगा इनके दलित प्रेम के बारे में। आपको पता होना चाहिए आंकड़े जो कहते हैं नेशनल क्राइम ब्यूरो के, सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार हुए हैं कांग्रेस रेजिम में, चाहे हरियाणा का रहा हो चाहे बागी प्रदेश का रहा हो, आप स्टेटिस्टिक्स उठा के देख लीजिए। और जहां तक इनके और प्रेम की बात है, आपको मैं बताऊं दलित, ये हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब, अंबेडकर जी से कैसे ट्रीट किए थे, उनको टिकट तक नहीं दिया लड़ने का, और जब वो लड़े इंडिपेंडेंट तो उनको हरवा दिया गया, उनका डिपॉजिट तक जब्त करा दिया गया था। बी आर अंबेडकर की जो बात करते हैं आज बहुत के लोग कि नहीं अंबेडकर इनके थे, अंबेडकर को लास्ट में परिवर्तन करना पड़ा इनके आतंक से। आप बताइए उस कांग्रेस को आज अचानक दलित प्रेम दिख रहा है? आप हमारे बारे में बात करते हैं, अरे हमने तो हमने दलित देखिए, दलित हमारे लिए कोई राजनीति नहीं है प्रियंका जी, दलित जो है हमारे लिए सामाजिक संरचना का एक पार्ट है, उसके साथ सामाजिक संरचना में हम जुड़े हुए हैं, हमें कोई राजनीति करने की जरूरत नहीं है। आपके लाख राजनीति करने के बाद भी उत्तर प्रदेश आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, अडॉप्ट किया था हिंदुइज्म को छोड़ा, ठीक है ठीक है। आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, 5,000 साल से ये चल रहा है जिसको अब आप बढ़ावा दे रहे हैं, जिसको 5,000 साल आपको समय मिलेगा, जरा अपने प्रधानमंत्री की भाषा सुन लीजिए, आप राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो मुखिया जरूर जरूर सुनेंगे, एक एक करके बात करते हैं, कार्यकर्ता के लिए बोला था कि टंच माल है उनकी भाषा भी, एक एक करके बात करते हैं। प्रियंका मैं आता हूँ आपके पास, अतुल अंजान मेरे साथ जुड़े हुए इस पैनल में, और अतुल अंजान मैं प्रियंका आ रहा हूँ, प्रियंका आपको मौका मिलेगा जवाब देने का, प्रियंका मैं आ रहा हूँ आपके पास, लेकिन अतुल अंजान मेरे साथ इस पैनल में जुड़े हुए हैं, और थोड़ी देर में स्पोक्स पर्सन एसपी मेरे साथ जुड़ेंगी, पंखुड़ी पाठक भी। लेकिन अतुल अंजान साहब, आप काफी सीनियर पॉलिटिशियन है सर, आपने कई सरकारों को आते और कई सरकारों को जाते हुए देखा है सर, आप क्या लग, और कई सरकारों की आपने पार्टियों की स्ट्रैटेजी को भी आपने देखा है कि इलेक्शन आते आते कैसे वो अगड़ा बनाम पिछड़ा, कैसे विकास बनाम बिल्कुल पिछड़ा, ये सारी चीजें होने लगती हैं सर। जो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से, या बीजेपी को कोर्ट की तरफ से जो कुछ कहा गया, जो उनके लिए एक नेगेटिव कमेंट्स आए या नेगेटिव उनके लिए सेंटीमेंट गया, आपको लगता है सर ये इनके लिए बैकफायर करेगा आने वाले चुनावों में? दरअसल गौरव जी, देश की राजनीति अब करवट लेने लग गई, 2 वर्ष के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी की नीतियां और गतिविधियां दोनों ही आज सार्वजनिक जीवन के अंदर चर्चा की विषय ही नहीं है, बल्कि नकारात्मक दृष्टिकोण जनता का बनने लगा है, एक के बाद एक खेल जो हुए। आप संविधान की बात करते हैं, आप संसद को पैर छू करके जाते हैं, अरुणाचल में क्या किया आपने, आपने उत्तराखंड में क्या किया, ये एक चुनी, और ये आपने क्या किया, आप राष्ट्रधर्म की बात करते हैं, राष्ट्रहित की बात करते हैं, है? आपने बॉर्डर स्टेट्स को डिस्टेबलाइज किया, वो अरुणाचल जिसके ऊपर चीन के बार बार सवाल खड़े होते हैं, हम ये कहना चाहते हैं अरुणाचल भारत का अविभाज्य अंग है, उत्तराखंड जिसकी सीमाएं दूसरे देशों से मिलती हैं, वहाँ पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन, राजनीतिक अस्थिरता पैदा करके आप अगर एक सरकार बना भी लेंगे तो क्या मिला आपको? आप कह रहे हैं कि अरुणाचल में मेरा कोई योगदान नहीं था, जिस तरह से गवर्नर पर टिप्पणी की गई है, जिस तरह से रिपोर्ट लिखी गई, जिस तरह से राष्ट्रपति से नहीं, तो सर आपको लगता है इसका मैसेज जनता तक जाता है कहीं, जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर या केवल अखबारों की सुर्खियां बनकर रह जाता है, मेरे ख्याल से पढ़ी लिखी जनता बहुत निराश हो रही है, नहीं अखबार की सुर्खियां नहीं है, लोग निराश हो रहे हैं, लोग एक बात कह रहे हैं आर्थिक सवालों पर महंगाई नहीं रुक रही,
दो करोड़ लोगों को हर साल रोजगार मिलने की बात है, वो नहीं हुआ। 15 लाख रुपए हर एक के जनधन खाते में जाएगा, वो नहीं हुआ। और उसके बाद ये सारा खेल हो रहा है, ये क्या हो रहा है? मैं आपसे एक बात और कह रहा हूं गौरव जी, गंभीरता से सुनिए। बिल्कुल सर, जल्दी। आजाद हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्रपति के अधिकारों की इतनी अवमानना कभी नहीं हुई। राष्ट्रपति 6 लोगों को नामित करते हैं हर बार, लेकिन आज तक कभी किसी ने राष्ट्रपति के द्वारा जो नामित हुए हैं, किसी भी व्यक्ति ने कहा नहीं कि हम राज्यसभा के सदस्य नामित नहीं बनेंगे। पंड्या जी को बनाया इस सरकार ने, राष्ट्रपति जी से उसका अभिभाषण, बड़ी बात उठा रहे हैं आप, सिद्धू को बनाया, उन्होंने रिजाइन कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल, आपने सिद्धू और सिद्धू जी को आपने बनाया, उन्होंने रिजाइन किया। एक तरीके से राष्ट्रपति जवाब दे लेते हैं सर, आपकी बात का जवाब दीजिए सुदेश शर्मा। सरकार की वजह से आजादी और किस किस चीज का जवाब दे बताइए। नहीं नहीं, जवाब आपको देना पड़ेगा सर। अरुणाचल प्रदेश का जवाब दे, उत्तराखंड का दे, बहुत बड़े सवाल उठ गए सर, सुनिए ना, बहुत बड़े सवाल उठ गए। जिस तरह से पंड्या जी का जिक्र किया, आपने कहा कि हम आपको राज्यसभा सदस्य बनाना चाहते हैं, उन्होंने मना कर दिया। आपने नवजोत सिंह सिद्धू को राज्यसभा भेज दिया और उसके बाद वो रिजाइन करके चले जाते हैं सर, इसका क्या मतलब निकाले सर? कोई मतलब नहीं। देखिए, हम लोग किसी के पास जाते हैं, किसी को नॉमिनेट करते हैं उसके कैपेबिलिटीज को देख के, और वो व्यक्ति अपने पर्सनल कारण से अगर नहीं बनना चाहे या रिजाइन कर दे, इसमें आप हमें क्यों कटघरे में खड़ा करेंगे? पर्सनल कारण आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना हो सकता है? अभी तो नहीं हुआ है ना, अभी तो मतलब जंपिंग द गन हो जाएगा अभी अगर बोलेंगे तो। अभी तो उन्होंने भी कुछ नहीं बताया है, तो स्पेकुलेशन है, अब उसको इंतजार करिए। लेकिन इस पर आप कहीं से बीजेपी पर दोष नहीं दे सकते, डिसीजन गलत हो सकता है, इसका मतलब थोड़ी ना कि जी बहुत सीनियर आदमी है, पता नहीं ये कोई इशू नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा वो जरूर है, आपने अरुणाचल पर बोला, आपने उत्तराखंड पर बोला, इसका जवाब हम ऐसा देते आए कि कांग्रेस के अंदरूनी कलह के कारण अगर कुछ होता है तो बीजेपी को थोड़ी ना आप दोष दे सकते हैं। जो इन्होंने मुख्यमंत्री बाद में बदला और हाउस को यूनाइट किया, अगर ये पहले कर देते तो कांग्रेस में होता ही नहीं। अगर कांग्रेस में फाड़ होती है और हम वहां स्टेबिलिटी के लिए सपोर्ट करते हैं और हम बाहर रहते हैं सरकार के अरुणाचल प्रदेश में, तब भी आपको नहीं पछता है? उत्तराखंड में कांग्रेस के लोग वॉकआउट कर जाते हैं। जिम्मेदारी ले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो आपको जवाब दिया है, दोनों अरुणाचल। अतुल जी आ रहा हूँ, आपके पास नहीं कर रहा, अतुल जान आ रहा हूँ आपके पास, प्रियंका की बात पूरी हो जाए, अतुल जान आ रहा हूँ। जो कॉन्स्टिट्यूशन के चीथड़े उड़ाने की कोशिश की, जिस तरीके से आपने गवर्नर का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से गवर्नर का इस्तेमाल करना ही आपको आता है, हम लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, होल्ड योर टंग प्रियंका जी, कांग्रेस का ये कल्चर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का मिसयूज हम नहीं कर सकते, ये गलत है ये बोलना। ओके ओके, मेरे साथ इस पैनल में एसपी की पंकुड़ी पाठक है, और क्योंकि उत्तर प्रदेश में एसपी की सरकार है प्रियंका, इसलिए उनसे भी एक सवाल बनता है यहाँ पर। मैं आ रहा हूँ प्रियंका, मैं आ रहा हूँ, उसकी आप बात कर रहे हैं, मैं आ रहा हूँ। मेरे साथ पंकुड़ी पाठक है एसपी की, और पंकुड़ी क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त सबसे ज्यादा गर्म है। दयाशंकर सिंह का एपिसोड, मायावती ने जिस तरह से उसको, कई जानकार कह रहे हैं कि मायावती ने बहुत अच्छे तरीके से उसको पॉलिटिकली कैच कराया, आपको लगता है? और अब जिस तरह से दयाशंकर की वाइफ सामने आई है और बेटी सम्मान रैली जिस तरह से प्रियंका कह रही है कि हो सकता है वो करने जा रहे हो, लगता है आपको कि कहीं ना कहीं हाल के दिनों में लड़ाई बीजेपी वर्सेस बीएसपी बनती जा रही है और एसपी कहीं ना कहीं पीछे रह गई? आपको लगता है कि ये बीजेपी का ब्लंडर है जो उनको चुनावों में हिट करेगा? गौरव जी देखिए, बात यहाँ पर बिल्कुल भी लड़ाई किसके बीच में उसकी नहीं है, बात यहाँ पर यह है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं उसके चलते किस तरह की राजनीति प्रदेश में आज के दिन में हो रही है। जो जिस तरह की टिप्पणी करी दयाशंकर जी ने मायावती जी पे, हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन उसके बाद जो बसपा के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से उसकी पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करी और उस पर जिस तरह के नारेबाजी हमें सुनाई दी लखनऊ की सड़कों पे, उससे खराब मैं नहीं मानती कि कोई, अगर राजनीति का स्तर कितना गिर सकता है, इससे ज्यादा राजनीति का स्तर नहीं गिर सकता जब आप महिलाओं को बीच में ला रहे हैं, महिलाओं के बारे में इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। तो लड़ाई की यहाँ पे किसकी बात है, कौन पॉलिटिकल उसका फायदा उठाएगा, बात इसकी नहीं है। बात इसकी है कि क्या हमने राजनीति को आज के दिन में इस स्तर पे गिराना है कि एक चुनाव के पीछे हम बिल्कुल इस तरह की ओछी राजनीति पे हम उतर रहे हैं। और ये दोनों पार्टी इससे एक तरह का पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात कर रही है, औरतों के प्रति संवेदनशीलता की बात यहाँ पर कोई कर ही नहीं रहा है। बिल्कुल तो सही बात है, यहाँ पर इसको इस तरह से देखा जा सकता है। संकल्प लेना चाहिए कि इस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये कोई भी पार्टी नहीं करेगी। संगीत रागी कुछ कहना चाहते हैं, संगीत रागी, लेकिन इस बात को मैं आपसे थोड़ा सा इतिहास बताना चाहता हूं। आप बताइए इतिहास, मैं एक सवाल के साथ आपके पास आता हूँ, फिर आप इतिहास बताइए। क्या आपको लगता है कि जो एक बीजेपी की इमेज थी जो पिछले कुछ दिनों तोड़ने की कोशिश की जा रही थी कि बीजेपी अगड़ों की पार्टी है, क्या वो इमेज एक बार फिर से ज्यादा मजबूत हो गई है?
देखिए, मैं पहली बात तो जरा पंखुड़ी जी को याद दिला दूं कि जब मायावती जी सपा से बाहर हुई थी तो किन परिस्थितियों में बाहर हुई थी यह भी वो जानती होंगी कि गेस्ट हाउस में उनके साथ किस प्रकार का अमर्यादित व्यवहार सपा के मुखिया के तौर पे इशारे पर खुद किया गया था उत्तर प्रदेश के अंदर। और वह जो मायावती पर जो का उनका जो चारित्रिक लांछन है वह भी बसपा पर तो इन्होंने दो चीजें किससे जो आप सुना रहे हैं, नहीं नहीं कहानियां किससे नहीं, ये सच्चाई है कि उनको बेइज्जत करके वहां बेइज्जत करने के कारण ही वह सरकार से बाहर निकल करके आई थी। दूसरी बात देखिए, आज के दिन में जो कोई भी यदि अमर्यादित बातें होती हैं संसदीय राजनीति के अंदर, लोकतंत्र के अंदर बिल्कुल ही वाजिब नहीं है। प्रियंका जी कह रही थी, अरे किसने इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, मौत के सौदागर से ये बातें, इस प्रकार का अस्तरहीन राजनीति की शुरुआत। सर मेरी एक बात बताइए सर, संगीत रागी साहब, मुझे एक बात बताइए, जो आप कह रहे हैं कि किसी ने क्या कहा किसी ने नहीं क्या कहा, क्या उससे उसको अपने किसी दूसरे की गलत बातों से जस्टिफाई किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, ये मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि ये जो भी चीजें घट रही है उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से दयाशंकर जी ने किए वो बहुत ही निंदनीय है, घोर निंदनीय है, और जो भी उन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और वो आंकड़ों की पार्टी जो दूसरी बात बीजेपी को वो इमेज फिर से बिल्ड होगी नहीं, लेकिन जिस प्रकार का राजनीतिक का दलित ध्रुवीकरण करने की मायावती जी कोशिश कर रही हैं, समाज को बांटने की जो कोशिश की जा रही है, आप मुझे बता दीजिए तो सर, मौका तो आपने दिया ना, नहीं कोई नेता ने दिया ना। एक व्यक्ति ऐसी गलती कर दे, क्या वो उनकी उनके उनकी पार्टी के कादिर राणा कहां थे जिन्होंने दंगाइयों को लीड किया था, उन्हीं की पार्टी थे। इसका मतलब ये मान लिया जाए कि बीएसपी दंगाई पार्टी है। उनकी उनकी पार्टी का एक व्यक्ति कहता है कि हम 50 लाख रुपए देंगे यदि जीव काट करके उनके लाया जाए, तो क्या इस बात का वो समर्थन करती हैं? एक व्यक्ति यदि कहता है कोई इस प्रकार की बातें की करता है तो, और यदि पार्टी उसका समर्थन करता है, अगर वो व्यक्ति आपकी पार्टी के किसी बड़े पद पे हो तो उसका क्या मैसेज जाएगा? एक मिनट, कोई भी व्यक्ति हो, बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी इस प्रकार के अमर्यादित और असंसदीय बात यदि बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा। मैं इसको राजनीति के तराजू में बिल्कुल खांचे में डाल करके मैं इसका आकलन नहीं कर रहा हूँ सर। मैं पूरी आप मत करिए, लेकिन राजनीति इतनी हो चुकी इस पूरे मामले पर कि राजनीति से जनता अलग हो ही नहीं सकता। ये जनता देख रही है कि यह जो बीएसपी की जो पॉलिटिक्स है वह सिर्फ एक पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है। यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा यदि उत्तर प्रदेश फिर यदि 10 साल यदि पीछे जाना चाहता है। अतुल अंजन, तो मैं आपके पास आना चाहूंगा, मैं आता हूं ऐसी स्थिति बन जाएगी। मैं आ रहा हूं संगीत राय, ओके संगीत राय, यू मेड योर पॉइंट सर। अतुल अंजन, क्या वाकई इसको राजनीति के चश्मे से नहीं देखे सर, या जिस तरह से राजनीति हो गई अभी तो राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा चुनाव में, क्या लगता है आपको? देखिए गौरव जी, हम तो उस पार्टी के हैं जो लगातार हर तरह की गालियां खाते रहे इन लोगों से, हम बोलते नहीं, लेकिन हम अमर्यादा की जो बात कह रहे हो, मौत के सौदागर एक शब्द हो सकता है, लेकिन उसका जवाब काहे दिया जाएगा? उसका जवाब ये दिया जाएगा सोनिया गांधी का नाम लेकर के, इटालियन जर्सी काउ, ये किस तरह की राजनीति है? ये कितना भद्र है और कितना अभद्र है, ये सोचने की बात। आज मैं समझता हूँ कि एक व्यक्ति ने कोई टिप्पणी कर दी मायावती जी के लिए, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। और हमारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी तो दलितों के साथ, हमको तो कहा जाता था कि गांव के बहियार की पार्टी है, गांव के दक्षिण की काम पार्टी है, चमरौटी की पार्टी है, ये तो दलितों की पार्टी है, क्योंकि हम दलित शोषित पीड़ित। अतुल जी, यदि 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 अतुल जी यदि दलितों की आपकी पार्टी होती तो उत्तर प्रदेश में आपका पश्चिम बंगाल के अंदर आपका कोई राजनीतिक, मैं एक सवाल सिर्फ खड़ा कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि यदि इतनी यदि इतना ही दलित पार्टी होती तो आपको दलित लोग ठुकरा क्यों दिया है? आप राजनीति के इतने हासिए पर क्यों चले गए हैं? अच्छा ठीक है, उनको जवाब देते हैं। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी 15 साल किसी राज्य में लगातार का राज्य कर लेना, 30 साल उस दिन हमसे बहस करना, हम तो 34 साल राज किए हैं, 30 साल जिस दिन कर लेना बात कर लेना।
आपने ना उस दिन बिल्कुल आप बिल्कुल सही कहा आपने बिल्कुल सही कहा लेकिन आपने सोशल कोएलिशन के बेसिस पर आपने बांग्लादेश आप बांग्लादेशी लोगों के इन्फिल्ट्रेटेड लोगों को वोट बैंक बना करके आप 34 साल तक राजनीति करते रहे या भी देश को बता दीजिए आरएसएस त्रिजवाद की पार्टी आरएसएस समाज के शोषित दलित और पीड़ितों के खिलाफ षड्यंत्र करने वाली पार्टी अतुलंजन मैं आता हूँ आपके पास अतुलंजन आपकी आपकी कोई तकनीकी दिक्कत है आपकी आवाज में कुछ खराबी आ रही है अतुलंजन मैं आ रहा हूँ अतुलंजन आपकी आवाज में कुछ दिक्कत है मैं आ रहा हूँ आपके पास कुछ तकनीकी खराबी है उसको सही कराते हैं फिर आता हूँ मैं आपके पास लेकिन सुदेश शर्मा जवाब दीजिए जो बात अतुलंजन उठा रहे हैं उस बात का जवाब दीजिए अतुलंजन साहब को शायद भूल जाते होंगे इतिहास या सिलेक्टिव एमनीजिया है सिलेक्टिवली भूल जाते हैं आपको मैं याद दिलाऊं कि एक अनिसुर रहमान करके सीपीएम में होते हैं इन्होंने ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री थी उन्होंने रेप हुए थे कुछ लोगों को कंपनसेशन दिया था 15,000-20,000 रुपया सर तो इस व्यक्ति ने सुनिए इस व्यक्ति ने क्या कहा था इस व्यक्ति ने बड़ा इंटरेस्टिंग है इस व्यक्ति ने कहा था कि ममता बनर्जी का अपना प्राइस क्या होगा अगर वो 2,000 किसी को रेप करने के लिए दे रही है तो बात खत्म हो गई और यहाँ तो हमने एक्सपेल कर दिया है बात क्यों नहीं खत्म हो रही है मुद्दा ये है मान लीजिए किसी ने गलती किया हमने उसको एक्सपेल कर दिया पार्टी ने माफी मांग ली उसके बाद भी आप क्यों मुद्दे आज अगर उनकी उनकी वाइफ स्ट्रीट पर आ गई है आपने क्यों उनकी बेटी के खिलाफ बोला आपको शर्म आनी चाहिए आपके नेता ने उसके 12 साल की बच्ची के लिए क्या क्या बोला है इसके बारे में कोई जवाब नहीं होगी बहुजन समाज पार्टी से अतुल अंजान से कोई बोलेगा इस पर कोई बोलेगा इस पर बताइए अगर एक आदमी ने गलती किया उसकी गलती की सजा मिली ये कहा तो हमने क्या गलती की ठीक है क्या सजा मिली है अरे उसको पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया और आपके आज कार्यकर्ता को और क्या किया जाता है उसको क्या हम लोग फांसी दे देंगे उसका हक हमें नहीं है वो कोर्ट कर सकती है हम सिर्फ पार्टी से एक्सपेल कर सकते हैं हमने कर दिया अगर आप डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं इससे ज्यादा हम एक्शन नहीं ले सकते बाकी किसी को करना है तो एडमिनिस्ट्रेशन करेगी और एडमिनिस्ट्रेशन करेगी ठीक है राजनीति किस तरह की बात कर रही है आइडियोलॉजी है भारतीय जनता पार्टी की लेकिन आप बताइए 12 साल की बच्ची के खिलाफ जो बोला गया क्या वो सही है उस एमएलए के खिलाफ क्या एक्शन होगा उस महिला ने जिन्होंने कहा कि 50 लाख रुपया एक एक करके सर एक एक करके उसके आप सर एक एक को काट एक एक करके एक एक करके 50 लाख रुपया देंगे एक एक करके क्या उसके खिलाफ मायावती एक्शन लेगी ओके यू मेड योर पॉइंट क्या प्रियंका से बोलेगी आप प्रियंका से ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं प्रियंका तो बीएसपी के बारे में जवाब नहीं देंगी नहीं ठीक है कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रख रही है प्रियंका आप अपनी बात पूरी कर सकती हैं उसके बाद मैं सवाल लूंगा पंखुड़ी पाठक से जल्दी बताइए प्रियंका आप क्या कह रही थी ऐसा है जितनी निंदा में मायावती से जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है उतनी ही निंदा मैं उस बात की कर रही हूँ जिस तरीके से बसपा के लोगों ने दयाशंकर जी की फैमिली की महिलाओं को किया है ये महिलाओं की बात है पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के आज प्रवक्ता आकर डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि किसको डिफेंड कर रहे हैं पहले आपने समझा नहीं क्या था आप सुनना ही नहीं चाहती हमने कहीं डिफेंड नहीं किया गलत बोल रही हैं आप कंप्लीट कर ले नहीं नहीं हमारे बारे में आप गलत नहीं बोल सकती हम लोगों ने शुरू से ही बोला कि दयाशंकर ने गलत किया था उसके खिलाफ एक्शन हुआ लेकिन बाकी जो गलत कर रहे हैं उसके खिलाफ एक्शन होगा क्या ये प्रश्न है दयाशंकर की बीजेपी गलत चीजों को डिफेंड नहीं करती बेटी पे आप राजनीति कर रहे हैं पंखुड़ी क्या आपको भी लगता है ये राजनीति हो रही है पर किसी परिवार जन को ये नहीं लगा या नेता गण को ये नहीं ठीक है प्रियंका जाकर स्वाति सिंह से ठीक है पंखुड़ी क्योंकि 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 आप भी एक प्रियंका क्योंकि आप पंखुड़ी क्योंकि आप भी एक महिला है और आप इन सेंटीमेंट्स को अच्छे तरीके से समझती है आपको लगता है जो प्रियंका कह रही है वो ऐसा कुछ हो रहा है देखिए आज हर चैनल ये बात डिबेट कर रहा है कि किसको फायदा जाएगा अगर दलित एक तरफ चले जाते हैं सवर्ण एक तरफ चले जाते हैं लेकिन कोई ये नहीं देखता कि 50% जो पॉपुलेशन है वो महिलाओं की है और उत्तर प्रदेश की सारी महिलाओं को बहुत ठेस पहुंची है इस तरह की राजनीति से हमें डर है आज के देखिए राजनीति में राजनीति को बुरा क्यों माना जाता है क्योंकि इस तरह की बातें ही हैं जो राजनीति को शर्मसार करती हैं कोई भी महिला आज के समय में राजनीति में जाने से पहले 10 बार सोचेगी क्योंकि इस तरह की बातें राजनीति में आज के समय में हो रही हैं और एक बात मैं कहना चाहूंगी आज बीजेपी के प्रवक्ता चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हम बीजेपी के प्रवक्ता हर जगह ये कह रहे हैं हमने एक्शन लिया लेकिन इन्हें ये याद रखना चाहिए कि इनके आज ही पहली बार नहीं है कि इस तरह की बात
बीजेपी या संघ से जुड़े लोगों ने करी है, महिलाओं के बारे में इस तरह की टिप्पणी बार बार कर रही है। स्टेटमेंट आती है तब ये लोग क्या करते हैं, जब बोला जाता है, जब बोला जाता है कि हिंदू महिलाएं 10-10 बच्चे पैदा करें, मैं आपको समाजवादी पार्टी जब रेप हुआ था महिलाओं का, उन्होंने कहा था बच्चे हैं गलतियां हो जाती हैं, और ये महिलाओं के अधिकार की बात कर रही है। उन्होंने बात तब डेथ पेनल्टी की थी, डेथ पेनल्टी इशू था। हाँ तो रेप करना मतलब मामूली बात है, बट गलती हो जाती है बच्चों से। आप केंद्र में, अरे आपका सोच ही यही है, आप क्या लोगों को महिलाओं की बात कर रहे हैं? आज क्या रेप पर फांसी हो रही है? आपने कानून अमेंड किया, आपने कौन सा कानून अमेंड किया? नेता जी ने कही थी कि डेथ पेनल्टी का प्रोविजन नहीं है, बच्चे गलती कर दिए, बच्चे को माफ कर दो, माफ कर दो। तो कहा यही बोल रहे, अब आप अपनी इसमें बच्चों से गलती हो जाती है, ये बात नहीं, बिल्कुल ये बात नहीं, गलती करके रेप कर देते हैं और नेताजी जस्टिफाई करते हैं। ओके, और आप महिलाओं को यू बहुत ही यू बहुत मेडियो पॉइंट सर, जस्टिफाई तो आपके पार्टी के लोग कर रहे हैं। ओके ओके, आप दोनों अपनी बात कह दी। अतुल अंजान, मैं आपके पास आऊंगा, अतुल अंजान से बहुत देर से बात नहीं हुई, संगीता की आऊंगा, संगीता की के पास आऊंगा। अतुल अंजान मैं आपके अतुल अंजान मैं आपके पास कुछ आंकड़े लेकर आना चाहता हूं, फिर चाहता हूं आप उस पर बोलिए, फिर मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। अतुल अंजान, यूपी में बीजेपी अध्यक्ष दलित के घर भोजन करने पहुंचे थे, बीजेपी ने ओबीसी नेता केशव मौर्य को अपना यूपी अध्यक्ष बनाया है, अंबेडकर जयंती के सहारे भी काफी कुछ मैसेज दिया गया कि बीजेपी पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए काफी काम कर रही है, रामदास अठावले और कृष्णा राज को अभी जो हालिया मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसमें भी जगह दी गई, जिसकी कई लोगों ने अलग अलग तरह से व्याख्या की। अतुल अंजान, आपको लगता है कि ये सब चीजें जो की जा रही है, जो सारी कवायद है, उन सब का फायदा मिलता अगर ये एपिसोड ना होता, या आपको लगता है कि ये सब चीजें होती लेकिन जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ता? गौरव जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न और ये आंकड़े दिए हैं। मैं आपसे एक छोटे से राजनीतिक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के होने के नाते कह सकता हूं कि इसका कोई भी असर जो है ऐसा दूरगामी होगा जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी ने जो मंत्री बनाए दलितों का, कोई असर दलितों पर नहीं पड़ने वाला। लेकिन एक बात जरूर हो गई कि इस पूरी घटना में आज जिस तरह से मायावती जी बोल रही थी, उनके चेहरे को देख करके ऐसा लग रहा था कितनी घृणा उनके चेहरे के ऊपर है। ये भूल गई कि यही लोग तो नारा लगाते थे, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। ये भूल गए, वहीं से तो शुरू हो रही थी। और कल जिस तरीके से उस नेता के परिवार की स्त्रियों और लड़कियों के कपड़े उतारे जा रहे थे, और बड़े बड़े बसपा के नेता बैठ करके भाषण सुन रहे थे, वो नारी स्वाभिमान की बात करने वाले लोग कहाँ चले गए? और अब उत्तर प्रदेश में दोनों के खिलाफ मुकदमा दायर हुआ है, मायावती जी के भी खिलाफ, निहालुद्दीन के भी खिलाफ, नसीमुद्दीन के भी खिलाफ, उनके नेताओं के खिलाफ, और भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो करके सबको जेल नहीं, लेकिन सर लगता तो ऐसा है कि नेताओं को ये मुकदमे कोई किसी रास आते हैं। सर लगता तो ऐसा है कि नेता इन मुकदमों को अपना टूल बनाते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। अरे रास आते हो। देखिए आप, देखिए मैं जो बोल रहा हूं गौरव जी, वो आपके टेलीविजन पर सुनाई दे रहा है, मेरी फुटेज है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी बात गलत तरीके से छाप दी गई, गलत तरीके से अखबारों में छप गई और बुरी बोल दी गई। कल के सारे फुटेज उठा लीजिए, जो गाली गलौज हुआ उससे पहले के फुटेज उठा लीजिए, वो काफी है। ये सवाल अब देश की न्याय व्यवस्था पर है कि न्यायपालिका किस तरह से सोचती है। साक्ष्य के सब बुनियाद पर अगर आप संविधान की मूल आत्माओं के साथ गाली गलौज की राजनीति को बढ़ाना चाहते हैं, तब तो न्यायपालिका खामोश रहेगी। ठीक है सर, ओके, कार्रवाई करने की जरूरत है। और मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ मायावती जी, मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं मायावती जी, संसद में बोलिए तो ये मत बोलिए कि अटल बिहारी वाजपेयी बोलता है, ये मत बोलिए कि बर्धन बोलता ओके है, सर, ओके, ओके। बोलता है, लोगों के प्रति सम्मानजनक भाषा का भी प्रयोग करने की स्थिति होनी। बिल्कुल, आपकी बात को कोई भी पैनलिस्ट शायद इस बात से इत्तेफाक ना रखे, ऐसा शायद ना हो। लेकिन सवाल यहां पर संगीत रागी मैं आपसे लूंगा, और संगीत रागी सवाल यह है, ये जो आंकड़े मैंने अभी अतुल अंजान को गिनाए थे, यूपी से थोड़ा बाहर निकलते हैं, गुजरात के ऊना में जो कुछ हुआ, गुजरात के ऊना में जिस तरह से दलितों, एक खास वर्ग को जिस तरह से वहां पर
कहा जा रहा है कि गौ रक्षकों के नाम पर कुछ लोगों ने निशाना बनाया, और उसके बाद वो वीडियो काफी दिनों से सोशल मीडिया में था, कोई कुछ नहीं कर रहा था। जैसे उस पर हंगामा शुरू हुआ, मुख्यमंत्री पहुंच गए उनके घर, उनके यहाँ नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया और राजनीति भी शुरू हो गई। क्या ये लगता नहीं कि ये मैसेज जाएगा, ये इसका मैसेज भी दूर तक जाएगा और केवल गुजरात नहीं, गुजरात से बाहर भी जाएगा और ये भी एक सेटबैक हो जाएगा? देखिए गौरव जी, किसी के प्रति भी अत्याचार हो, किसी के प्रति भी शोषण हो, किसी का भी दमन हो, उसका विरोध करना चाहिए। ये हम अगड़े सर विरोध सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए ना, एक मिनट, विरोध हंगामे के नहीं होना चाहिए। बोलिए बोलिए, आप बोलिए बोलिए बोलिए। मैं यही पूछ रहा हूं, कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट गुजरात चले जाते हैं, दादरी चले जाते हैं, जब वही घटना हिंदुओं के साथ होती है वो नहीं जाते हैं, कोई अगड़ी जाति के साथ हो नहीं जाते हैं। हम क्या समाज को हम अगड़ी पिछड़ी इसी खांचे में देखने का प्रयास करें? हिंदू थे वो, दलित, माफ कीजिएगा, मैंने माफ कीजिएगा, जब आप बोल रही थी तो मैंने नहीं कुछ कहा था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर देख लीजिए, क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी? आज ही जो है वो अलीगढ़ से इतने हिंदुओं के पलायन की बात हो रही है, कैराना से में आप देखिए 2011 के अंदर जो है वो 30% हिंदुओं के आबादी, एक मिनट सुन लीजिए, 8% वहाँ हिंदुओं की आबादी रह गई है, ये 22% की आबादी भटक गई है। आज के दिन में आपके पास 176 वहाँ पर दंगे हो चुके हैं अखिलेश इसलिए सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। दंगे उत्तर प्रदेश शासन के अंदर हो चुके हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम में सबसे टॉप पर उत्तर प्रदेश, ये बोली हम करा रहे हैं, ये मुलायम सिंह करा रहे हैं ताकि वोटों का वहाँ पर समाजवादी पार्टी वहाँ दलितों के ध्रुवीकरण के लिए मायावती जी लगी हुई है। भाग्य है कि इस राजनीति को हम इन्हीं जातियों और संप्रदायों के ध्रुवीकरण में हम बांट सकते हैं। देश भर में ये जो गौ रक्षा के नाम पर अभियान चलाए जाते हैं, जो दल चल रहे हैं, ये जो असली में जहां पर जरूरत होती है, जहां सूखे इलाकों में वहां पे पशु पक्षी मर रहे होते हैं, गाय मर रही होती है, वहां पे कोई रक्षा नहीं करता। ये रक्षा तब करते हैं अगर कोई दलित, कोई पिछड़ा, कोई मुसलमान, अगर कहीं पे भी उसका कहीं से गाय से कनेक्शन निकल जाए तो ये लोग एकदम से भड़क जाते हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आज मोदी जी हर विषय पे मन की बात करते हैं, क्या इस तरह के जो ये गौ रक्षा समितियां जो चल रही हैं आज के टाइम पे, जो किसी पे भी लाठी चला देते हैं, किसी पे भी मार पिटाई कर देते हैं, किसी को भी जान से मार देते हैं, क्या इनके खिलाफ भाजपा, संघ, मोदी जी कोई भी इनके खिलाफ बोलेगा? क्या इन पे बैन लगाया जाएगा? क्या इन बैन, जवाब दीजिए सुदेश वर्मा, जवाब दीजिए सुदेश वर्मा, जवाब दीजिए सुदेश वर्मा, जवाब दीजिए, बड़ा सवाल है, इनका प्रश्न तो हो जाएगा पंखुड़ी, इंसान की जान की वो कीमत नहीं है जो जो ये गाय माता की जो आप बात करते हैं उनकी उनकी जान की कीमत है, वो भी तब जब कोई मुसलमान या दलित उस केस में हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। गाय के प्रति प्रेम को देख के बहुत अच्छा लगा, हमें इंसानों के प्रति प्रेम है, आप भी सीख जाइए। बहुत बढ़िया, केंद्र सरकार होना चाहिए, प्रेम तो प्रेम तो होना ही चाहिए, प्रेम इंसान के प्रति भी होना चाहिए, जानवर के प्रति भी होना चाहिए, कि उसमें भी प्राण है, ये तो हिंदू संस्कृति है। देखिए हमें तो सबके प्रति प्रेम है, हम लोग बहुत इंटीग्रेटेड सोसाइटी में विश्वास रखते हैं, हम लोग उस कल्चर से आते हैं। और देखिए जहां तक इन्होंने बात बोला, काउ स्लॉटर जहां भी बैन है, ठीक है, वहां अगर कोई गलती भी करता है, मैं यहां बोल रहा हूं, गलती भी करता है, अगर किसी ने काउ स्लॉटर भी कर दिया, तो किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, किसी भी ग्रुप का हो, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। हम इसको कंडेम करते हैं, चाहे वो कोई भी समिति हो, किसी ने भी बनाई हो, लेकिन ये जो इंसिडेंट होते हैं, आप हमारा देखिए, हमने कैसे एक्ट किया, आप ये देखिए, ये बड़ा जरूरी है गुजरात में, सुनिए दादरी तो आपने प्रोटेस्ट किया, और इस तरह आप करिएगा तो डिबेट हो ही नहीं पाएगा, दादरी में अखलाक का प्रोटेस्ट आपने किया, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, उत्तर प्रदेश में हो तब भी बीजेपी रिस्पॉन्सिबल हो, गुजरात में हो तब भी बीजेपी रिस्पॉन्सिबल हो, मायावती रैली करे तब भी बीजेपी रिस्पॉन्सिबल हो, अरे ये मेजी रिकॉर्ड से आप करेंगे तो डिबेट क्यों करेंगे? आप एक खोल दीजिए टेप रिकॉर्डर और दी बीजेपी को दे गाली बीजेपी को दीजिए, और कुछ करना आपको आता नहीं है। अरे आप सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर गुजरात में कुछ हुआ, जैसे ही पता लगा, सबसे कठोर कार्रवाई की गई, सब अरेस्टेड हैं,
सबके साथ जुडिशियल करके हम चाहते हैं कि उस पर एक्शन लिया जाए। आप हमें क्या बताइएगा, दलित के प्रति हमें जो संवेदना है, क्योंकि समाज जो आप पहले ही मैंने बताया कि समाज की जो समरसता है वो दलित हमारे साथ है। जवाब देते हैं, जवाब देते हैं। आपको पॉलिटिक्स करना पड़ेगा, आपको कुछ एक्ट करना पड़ेगा, बताने के लिए कि आपका प्रेम है हमारे बॉस के लिए आपका टर्न आएगा। पहले प्रियंका से, प्रियंका मानती है इस बात को आप? नहीं, इतना दलित प्रेम है देखिए जब से आई है इनकी सरकार, और गिनाए क्या नहीं, ज्यादा तो जो अट्रोसिटीज हैं वो भरी हैं इनके कार्यकाल में। ये कांग्रेस का स्टेटिस्टिक्स है, ये कांग्रेस का स्टेटिस्टिक्स है, ये नेशनल क्राइम ब्यूरो का स्टेटिस्टिक्स नहीं है। गलत स्टेटिस्टिक्स को मत कोट करिए। मिनिस्टर है, एचआरडी मिनिस्टर है रोहित वेमुला के पीछे 5-5 लेटर। अरे रोहित वेमुला ने तो अपने सुसाइड नोट में आप लोगों को ब्लेम किया था, जो लोग उसके साथ खड़े थे भूल गए क्या इसको? आप सर्कल पे बैन, इतना झूठ बोलिएगा, इतना प्रेम, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोल के आप सच साबित कर देंगे क्या कि रात के दो बजे मुंबई में आप अंबेडकर भवन गिरा देते हैं? इतना प्रेम है दलित अंबेडकर के नाम पर हमने 5 तीर्थ एस्टेब्लिश किया है, जन्मभूमि, कर्म भूमि, शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, पुण्य भूमि, लंदन तक में हमने अंबेडकर जी के लिए हर कुछ किया जो हम समर्पित होके करते हैं, हमको दिखाने की जरूरत नहीं है। सुरक्षा ग्रुप ने 2 मुसलमानों को गोबर खिलाया था, तब ये लोग आकर डिफेंड कर रहे थे और वहां के चीफ मिनिस्टर डिफेंड कर रहे थे। ये इनका गौ प्रेम है, ये इनका दलित कौन डिफेंड कर रहा था की बात करते कौन? जब मैं बोल रहा हूँ आपको यहाँ पर कि जो भी इलीगल एक्ट करता है वो गलत है, प्रेम है उसके लिए पुलिस है, उसके लिए सरकार है, एक्ट करेगी। अरे गाली को आप दूसरे, ये समाजवादी पार्टी का न्याय हो सकता है, कांग्रेस का हो सकता है, बीजेपी का हो सकता है, बीजेपी का नहीं हो सकता। तमंचे पकड़ा देते हैं, कौन पकड़ा देता है? अरे आप पकड़ाते हैं, हम गाय के लिए पकड़ाते हैं, तो कुछ आप पकड़ाते हैं और उत्तर प्रदेश में पूरा जमीन फैसले करवा रहा है। आपने पकड़ाया था मथुरा में, मथुरा में किसने पकड़ाया था? आपने पकड़ाया था जब तक गौ माता का इस्तेमाल ये ध्रुवीकरण के लिए कर सकते हैं तब तक गौ माता इनके लिए प्यारी है। महाराष्ट्र में अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि गौ माता के बचाव में आज बेटियों को बेचा जा रहा है पैसे के लिए, महिलाओं को देवदासी फिर से बनाया जा रहा है कर्नाटक और महाराष्ट्र की इस तरीके की रूल्स बनाते हैं। ओके प्रियंका जवाब दे देते हैं, प्रियंका जवाब दे देते हैं, पर गांव गाय के लिए प्रियंका जी जवाब ले लेते हैं आप। ये गौरव जी जवाब दीजिए, सुदेश वर्मा का जवाब मैं आ रहा हूँ, अतुल जी आ रहा हूँ। आपको समाज की संरचना को समझना चाहिए। भारत आज भी लिबरल मॉडर्न नहीं हो पाया है इतने एफर्ट करने के बाद, और ये कांग्रेस की जो सरकार रही है लोगों को एक दूसरे से लड़ाने की, आपने हमेशा लड़ाने की राजनीति की, चाहे वो दलितों और मुसलमानों को लेके, ब्राह्मणों को लेके, आपने जाति की नोट पर यहाँ पर एक ब्रेक आगे नहीं आ पाया। इसी नोट पर यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं कि भारत कितना लिबरल हुआ है खासकर पॉलिटिकली, और पॉलिटिकल पार्टियां क्या वाकई ऐसे मुद्दों को अपने वोट बैंक के लिए यूज करती हैं, या वाकई उनमें कोई आग है, वाकई उनमें सम्मान की कोई बात है जिसके लिए वो इन सारी चीजों को सामने उठाती हैं, खासकर उत्तर प्रदेश का मामला और गुजरात का मामला, इस पर हम बात कर रहे हैं। और उत्तराखंड, अरुणाचल और पंजाब में जो कुछ हुआ, क्या वाकई बीजेपी के लिए वो एक सेटबैक है?